ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त संख्या 66 ऋषि पराशर देवतागणे छंद पंक्ति स्वर पंचम मंत्र संख्या 1 ओम रईर्न चित्रासूरो न सं दृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः तक्वा न भूरणे वरण सिशक्तिपयो न धेनुः शुचिर विभावा। वो परमेश्वर मेरा पूजनीय धन है। जैसे कोई धन का संग्रह करता है, ऐसे ही मैंने आत्मा में उसका संग्रह कर रखा है। सूर्य के उदय होते ही जैसे अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही इस ज्योतिर्मय परम ब्रह्म ने मेरे हृदय में प्रकट होकर मेरे जीवन से दुख और अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया है। जैसे अश्व की पीठ पर बैठे व्यक्ति को वह अश्व उसके गंतव्य तक पहुंचाता है, ऐसे ही वो हजार अश्वों की शक्ति से भी अधिक शक्ति वाला परमात्मा मुझे जहां तहां लिए फिरता है, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाता है। वह परमात्मा उनको प्राप्त होता है जो उसकी उपासना आराधना करते रहते हैं। वह आदि पुरुष मुझे प्राप्त होता है। वह मेरे मन को पवित्र और मस्तक को ज्ञान की दिव्य ज्योति से भर देता है। मंत्र संख्या 2 दाधार शेम मोको न रणवो यवो न पक्वो जेता जनानाम ऋषिर्न इस्तुभ्युवा विक्षो प्रशस्तो वाजिन प्रीतो वयो दधाति। वह परम ब्रह्म प्राणी मात्र का कल्याण करने में लगा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में स्वच्छंदता सुख और आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार उस परम ब्रह्म में स्थित हुआ व्यक्ति एक अवर्णनीय आनंद को पाता है। वह परमात्मा हमारी बुराइयों को दूर करके अच्छाई की फसल को उगाता है। वह लोगों को विजय दिलाकर उनको सुंदर और उच्च जीवन प्रदान करता है। एक तत्वदृष्टा के समान वह हमारे सब कष्टों का निवारण करता है। तत्वज्ञान देकर हमें उजाले की तरफ लाता है। हमें असीम शक्ति देकर उन्नत और उत्कृष्ट बनाता है। वह हमारे भीतर प्रसन्नता और प्रेम देकर हमें कृत्य कृत्य धन्य धन्य करता है। प्रजाओं पर वो अमृत कणों को बरसाता रहता है। मंत्र संख्या 3 दुरो कशोचीह क्रातुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वमस्य चित्रो यद ब्राटच्छ छेतो न विक्षो रथो नरक में त्वेषः समतसुभ। वह ज्योति पुरुष परमात्मा हजारों सूर्यों की दीप्ति से भी अधिक दीप्तिमान है। हृदय में जैसे संकल्प और विचार भीतर से उठते हैं, ऐसे ही वह परम ब्रह्म हमारे भीतर से ही उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार पत्नी पूरे घर को संभालती है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संतानों को सद्गुणों से अलंकृत करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा भक्तजनों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ उनके जीवन को दिव्य गुणों से अलंकृत करता रहता है। वह बड़ा ही अद्भुत और विचित्र है। जब वह किसी के भीतर चमकता है तो उसके हृदय और जीवन को परम पवित्र बना देता है, अत्यंत शुद्ध बना देता है। वह स्वर्ण रथ के समान है। जो भी जीव इस स्वर्ण रथ पर आरोहण करता है, वह अपनी यात्रा को सुंदरता से पूर्ण करता है। वह परमात्मा अत्यंत दुर्लभ दीप्ति वाला है। मंत्र संख्या 4 सेनेवा सृष्टामम
ददात्य स्तुर्न दिद्युत वेश प्रतीक यमो हजातो यमो जनित्वं जारह कनीनाम पति जरनीनाम परम ब्रह्म की उपासना से साधक को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। जैसे युद्ध में योद्धा शत्रुओं का संहार करता है, ऐसे ही एक दृढ़ चित वाला साधक ईश्वर की कृपा और अमोघ शक्ति को प्राप्त करके अपने भीतर के हजारों आसुरी भावों को नष्ट करता है। सबको नियम में रखने वाला वो सर्वनियंता परमात्मा अपनी शक्ति से साधकों की शक्तियों का विकास करता है, जिस कारण साधक भयंकर भवसिंधु को सहज में पार कर लेते हैं। वह परमात्मा अपने मित्र साधकों की न्यूनताओं और कमियों को दूर करता है। आत्मा का विकास और संसार में सुख शांति का विकास उस परम ब्रह्म परमेश्वर की ही महान अनुकंपा के कारण संभव हो पाता है। मंत्र संख्या 5, तम वश्चराथा वयम वस त्यास्तम न गावो नक्षत्रम इदम सिंदुर्न अक्षोदः प्रनीचि रैनोन्वन्त गावः स्वद्रशिके। उस परमेश्वर से गहन प्रेम रखने वाली आत्माएं खुशी खुशी उसकी तरफ ऐसे जाती हैं जैसे गाय के झुंड संध्या काल में घर की तरफ आते हैं। अत्यंत तीव्र गति वाले विनाशक जंगली पशुओं की तरह काम क्रोध आदि मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। इन विकारों की जो ब्रह्म अग्नि में आहुति दे डालता है, वह पुरुष उस परम ब्रह्म परमात्मा की निकटता को प्राप्त करता है। जो अपने आहार को सात्विक रखता है, जो गेहूं चावल साग सब्जी का सेवन करता है, वह सात्विक बन जाता है। तब वह परमात्मा नीचे की तरफ ढलान पर बहते जल की तरह स्वयं हमारी तरफ को बहने लगता है। ज्ञान की ज्योति किरणों को वो प्रभु हमारे भीतर जागृत कर देता है। जो भी उस आदि पुरुष को प्राप्त करता है, वह उसके दिव्य तेज और प्रकाश से भर जाता है। वह परमात्मा अपने उपासकों में ही प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। ओम शांति शांति ही शांति ही। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 66वां सूक्त समाप्त हुआ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।